सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेजते हुए पाइप डालने का काम अपने आखिरी चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वक्त बाद 13 दिन में से फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी थोड़ी देर बाद उत्तर काशी से खुशखबरी आ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मलबे को भेदकर पाइप धकेलने के दौरान कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम मुसीबतों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। सिलक्यारा की तरफ से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी तरफ से 12 नवंबर को सुरंग धस गई और मलबा 60 मीटर तक फैल गया। इसीलिए सिलक्यारा की ओर से एक के पीछे एक जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। सुरंग में पहले 36 इंच चौड़े पाइप एक के पीछे एक जोड़कर मशीन से धकेले गए। इसके बाद 32 इंच के पाइप भी इसी तरह जोड़कर मलबे में डाले गए और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन मजदूरों को निकालने के लिए पाइप की सुरंग तैयार की जा सके। क्योंकि सुरंग के अंदर पिछले 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मजदूरों को पाइप के जरिए सुरंग से निकालने के लिए मॉक ड्रिल करने में जुटी, जिसका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी की मदद से पाइप के अंदर से एक दूसरे जवान को स्ट्रेचर पर खींचते नजर आए। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि जब स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक जवान को पाइप के अंदर भेजा गया, पाइप से एनडीआरएफ के उस जवान को निकालने के लिए पहिए लगे स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए स्ट्रेचर के अगले हिस्से से एक रस्सी बांधी गई, जबकि स्ट्रेचर पर वो जवान पेट के बल लेट गया। फिर टनल के बाहर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने उसे रस्सी के सहारे बाहर खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से वो तेजी से बाहर आता दिखा। बाहर आने के बाद उस जवान ने ये बताया कि अंदर सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और स्ट्रेचर के जरिए वो आसानी से बाहर आ गया। और इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहिए लगे स्ट्रेचर से मजदूरों को सुरक्षित निकालने में रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के अंदर दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पूरी तरह तैयार है और टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल हैं जो एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचेंगे। टीम के लोग अपने साथ हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भी सुरंग में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचाव दल के अंदर पहुंचने के फौरन बाद ही मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों की जांच करेंगे, इसके बाद उन्हें मौसम और बाहर के हालात की जानकारी दी जाएगी और फिर टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मतलब मजदूरों को रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अंदर जाने के बाद मजदूरों को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। लेकिन पिछले 13 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियां सामने आई। कई बार मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के दौरान रेस्क्यू टीम को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बने रहे। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था। उसी के बाद से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 12 नवंबर को 35 हॉर्स पावर यानी कम ताकत वाली ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया, लेकिन 13 नवंबर को मलबा दोबारा गिरने से ड्रिलिंग रोक दी गई। 15 नवंबर को खुदाई के दौरान ऑगर मशीन खराब हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ताकतवर ऑगर मशीन से एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन 17 नवंबर की दोपहर में मशीन के आगे पत्थर आने की वजह से खुदाई रोकनी पड़ी और इसके बाद अगले 5 दिन तक रुक रुक कर खुदाई होती रही। लेकिन 23 नवंबर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन खुदाई 3 बार रोकनी पड़ी। पहली बार ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया जिससे मशीन के कुछ कलपुर्जे खराब हो गए। बाद में एनडीआरएफ ने सरिये को काट कर अलग किया। इसके बाद जब ड्रिलिंग शुरू हुई
तो तेज कंपन से मशीन का प्लेटफॉर्म ही धस गया।